वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। अभिकर्म यानी अच्छे कर्म की शुरुआत, यही सोचकर मेरठ DIG आवास वे ऑफिस के सामने अभिकर्म नामक विशाल कॉम्प्लेक्स बनाया गया था, लेकिन किराएदारी को लेकर उठा विवाद अब सड़क पर आ गया। बाउंसरों द्वारा की गई मारपीट, रिवॉल्वर लेकर स्टाफ को बाहर निकालकर उन्हें पीटने, संपूर्ण घटना CCTV में कैद होने और इसके बाद भी कोई गिरफ्तारी न होने की घटना के बाद बिजली का अलग से कनेक्शन लगा लेने की कोशिश की गई। बिल्डर का आरोप है कि अलग से बिजली कनेक्शन लेकर जिम संचालक पूरे कॉम्प्लेक्स पर कब्जा करना चाहता है। आज जब जिम संचालक ने अलग से खंभे लगाने के लिए खुदाई शुरू कराई तो वहां विवाद हो गया। दिलचस्प व गंभीर बात यह है कि आम लोगों के लिए समय न निकाल पाने वाली पुलिस इस मामले में बैठकर समझौता कराने की कोशिश में लगी है। आरोप है कि तमाम दबाव डलवाए जा रहे हैं कि जिम संचालक किराए का भुगतान न करे बल्कि जिम की बिजली शुरू कर दी जाए। कारण साफ है, नामी ग्रामी क्रिकेटर विराट कोहली के ब्रांड चिजेल नामक जिम में तमाम पुलिस व प्रशासनिक अफसरों का रोजाना ही आना जाना लगा रहता है। मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट TV। यहां बात हो रही है स्टेडियम में मेरठ DIG ऑफिस के निकट बने विशाल कॉम्प्लेक्स अभिकर्म की। इस कॉम्प्लेक्स के मालिक हैं असोड़ा हाउस निवासी पंकज गुप्ता। कॉम्प्लेक्स के एक भाग में चिजेल नामक जिम का संचालक शुभम शर्मा कर रहे हैं। मैसर्स एस्थेटिक फिटनेस के डायरेक्टर शुभम शर्मा व पंकज गुप्ता के बीच हुए अनुबंध के मुताबिक 2,71,000 रुपये किराएदारी का तय हुआ था, जो बाद में बढ़कर 3,12,000 हो गया था। पंकज गुप्ता का कहना है कि शुभम पर किराए का 1 करोड़ से ज़्यादा बकाया है। इस राशि को लेकर मामला कोर्ट में लंबित है। आज हुए विवाद के बाद पंकज गुप्ता ने फर्स्ट बाइट को यह जानकारी दी। आज ये हुआ बहन साहब कि आज ये 20 जनों को लेके आए थे, हमने यहाँ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को, SDO को, सबको अपना एफिडेविट फाइल कर दिया था कि बिना हमारी NOC के हमारी बिल्डिंग पे कनेक्शन ना दिया जाए, बिना हमारी NOC के, क्योंकि कमर्शियल मीटर है, हमारा टीनेंट है एस्थेटिक फिटनेस प्राइवेट लिमिटेड। तो इन्होंने किसी तरीके से इंडिविजुअल में शुभम शर्मा के नाम में कोई कनेक्शन शायद लिया है प्रीपेड, और ये बिल्डिंग पे अब ये दिखाना चाह रहे हैं कि कब्जा इनका है, और पीछे पुलिस का भी इन्होंने मिसयूज करके ये कहा कि पुलिस ने 8 तारीख को कनेक्शन जुड़वा दिया और कोर्ट से ये आदेश करा लिया कि इनके बिजली पानी को ना डिस्टर्ब करा जाए, और अब ये इंडिविजुअल का कनेक्शन हमारी बिल्डिंग पे खंभे गाड़ के जबरदस्ती लगाना चाहते थे। तो भाई साहब, जब टीनेंट हमारे यहाँ कंपनी है तो इंडिविजुअल का कनेक्शन तो नहीं हो सकता ना। नहीं भाई साहब, कनेक्शन नहीं लगा। 20 जने 25 जने इनके आए थे, गुंडे थे, साथ में कुछ और लोग थे, उसमें हुई, हमने 112 पे कॉल करके पुलिस को बुला लिया था। फिर हम सिविल लाइन्स थाने चले गए थे, सिविल लाइन्स थाने में इनके साथ कुछ व्यापारी नेता थे, उन्होंने ये कहा जी हफ्ते भर में बीच बचावा करके बीच में 4 जने बैठ के इसको सेटल कर लेंगे, जब तक के लिए मामला स्टेटस को रख लेते हैं। एक हमें देना है, 3 करोड़ के लेनदार बाजार के खड़े हैं, ठीक है, तो ये इसको चालू करके इसको बेच के भागना चाहते हैं, ये है वजह। अब इन्होंने जैसे हमने NOC लेने के लिए कहा कि आप हमसे NOC लीजिए, हमने एफिडेविट फाइल कर दिया SDO को, Ericsson को, तो इन्होंने क्योंकि हमारी टीनेंट कंपनी है तो कंपनी के नाम कनेक्शन ना देके किसी इंडिविजुअल के नाम कनेक्शन देके उसका कनेक्शन कराने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। तो उससे तो भाई साहब, अगर आप टीनेंट हैं तो मैं अपने नाम का कनेक्शन तो आपकी बिल्डिंग में नहीं लगा सकता ना। हाँ, बिल्कुल नहीं लगा सकता। तो ये करना चाह रहे हैं ताकि उस पर ये कब्जेदार आ जाए कनेक्शन के बेसिस पे, और कोर्ट में ये इस पर लीगली कब्जा कर लें। ठीक है। ये है तो आज ये 20-25 लोगों को इसमें हमारी तरफ से भाई साहब 5 तहरीर जा चुकी हैं और इन्हों की तरफ से 1 तहरीर पे हमारी FIR हो चुकी है। पहले एक दफे समझौता नामा हमारे खिलाफ, हमारे इनकी समझौता नामा हो गया था 17 जुलाई 2021 को, हमने इन्हें टेम्परेरी कनेक्शन 15 दिन के लिए दिया था जो कि इन्हें खुद ही 3 तारीख को काटना था, इन्होंने 5 तारीख को उसे काटा शाम को,
और रात को 12 बजे हमारी FIR करा दी, मेरी दोनों तीनों बच्चों की। अच्छा, आपके और आपके तीनों बच्चों की? दो मेरे बच्चे हैं और एक भतीजा है। इससे पूर्व 24 अगस्त को हथियारबंद बदमाशों ने वहां पहुंचकर कहर बरपाया था। ये घटना भी CCTV में कैद हो गई। देखिए। यहाँ से यार इतना सब कुछ हुआ, रिपोर्ट भी लिखाई गई, लेकिन CCTV में कैद होने के बावजूद मेरठ सिविल लाइन थाना पुलिस पिस्टल दिखाते हुए गुंडई करने वाले बदमाशों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बनी रहेगी अपडेट पर हमारी नजर। देश में कोरोना के मामलों में एक बार फिर से तेजी आई है। ऐसे में सरकारी गाइडलाइन का पालन करें, नियमित रूप से हाथ धोते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें और हाँ, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना व बेल आइकन दबाना भी न भूलें। नमस्कार।